रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस बनती है, बटेर मसाला बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 60 ग्राम मैंने फ्राइड अनियन लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, 8 से 10 मैंने छोटी इलायची, 8 से 10 लौंगे लिए हैं, 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी जावत्री ली है, 2 टेबलस्पून खशखाश ली है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए। देखिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिरौंजी ली है और 2 इंच का खोपरे का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया है। अगर आपको चिरौंजी नहीं मिले तो आप काजू ले सकते हैं इसके ऑल्टरनेट। इसको हम अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल के बना रही हूँ, तो इसको आप मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको। ये देखिए हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। खशखश को बहुत अच्छे से धो के छन्नी में डाल के इसको साफ़ कर लें, वरना इसमें बारीक बारीक मिट्टी होती है तो उससे किरकिरापन आ जाता है। इसको भी अनियन को भी हम पीस लेते हैं। 1 कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा हम खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, सिनेमन स्टिक्स, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें। और ये देखें बटेरे, मैंने हमारे पास 2 किलो बटेरे हैं, इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। स्पेशली इसके अंदर का जो हिस्सा होता है इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत गंद लगी होती है, फिर स्मेल आती है। बहुत अच्छे से अंदर से साफ़ कर लें आप। देखिए हमारा मसाला हो रहा है थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि इसका सारा अरोमा ऑयल में आ जाए। अब हम इसके अंदर बटेरे ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। बहुत अच्छे से इसको तल लेंगे पहले, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। बहुत जल्दी बन जाती हैं ये, तो इसलिए देखें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून इसके अंदर। छोटी होती हैं इसलिए बहुत जल्दी बन जाती हैं, तो इसलिए इसको हम हाई फ्लेम पे अभी बना रहे हैं ताकि अच्छे से ये तल जाए, जो भी इसमें कच्चापन हो, जो भी स्मेल हो, वो सब ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के साथ भी बहुत अच्छे से तल लेंगे। इतनी डिफरेंट लगती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड किया मैंने 1 टीस्पून, नमक ऐड किया इसके अंदर, हल्दी नहीं डालेंगे हम इसके अंदर बिल्कुल भी। अच्छे से इसको मसाले में तल लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें और वीडियो को कम से कम 5 to 6 मिनट वॉच किया करें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ये हमने जो मसाला पीस के रखा था हम इसको अब डालेंगे इसके अंदर। इसको ऐड कर दिया है मैंने मसाले को, उसको भी हम अच्छे से फ्लेम मैंने हाई रखी है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से हमारा भुन जाए और इसके अंदर भी जज्ब हो जाए। लो फ्लेम पे पानी छोड़ देंगे तो फिर मसाला नहीं भुनेगा और ये गल के टूट जाती हैं फिर।
कोशिश यही करनी है कि टूटे नहीं, साबुत रहें। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी हमें ग्रेवी की ज़रूरत होगी बस हम उसमें उतना पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं करेंगे। इसको मैं 5 to 6 मिनट के लिए मैंने कवर किया है। अभी मैंने प्याज पीस के रखी थी, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट पटेरे हमारी गल चुकी हैं। सौ ग्राम मैं इसमें दही डाल रही हूँ, फेट के मैंने रखा हुआ है, फिटा हुआ दही डाल रही हूँ इसके अंदर 100 ग्राम। इसको भी हम अच्छे से तल लेंगे। आप इसको नान से खाएं, शीरमाल से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मजे की लगती है। इसको आप दावत में रखें, बड़ा अट्रैक्शन लगता है इसका, बहुत बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंट टेस्ट है इसको। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बटेरे हमारी तैयार हो चुकी हैं, बटेर मसाला, और बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, कितने बिल्कुल साबुत हैं। और कलर देखें आप कितना खूबसूरत। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।